आपका न्यूज इंडिया में मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। राजस्थान की खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आपको अभी सीधे लिए चलते हैं गुजरात के केवड़िया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं कि पिया आपको बता दें कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की थी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर चल रही परेड की। पीएम मोदी आज आपको बता दें कि सिविल सर्विसेज प्रोबेशनर्स को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के पहले दिन यानी कि शुक्रवार को नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट पर्यटन से जुड़ी कई विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और फिर उनका अवलोकन भी किया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात केवड़िया से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर एक चलचित्र चल रहा है। अलग अलग अपनी राय रखते वो नहीं चलना चाहिए, हमें समाज को संगठित करना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, पेशाब का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना चाहिए। 5 साल काम कर लो और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए, हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया, उसी मुसीबत होती है। जितना होता भी तेज इससे ज्यादा हो जाता। तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी, टीका करनी, टिप्पण करना है उसके पर, लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज, कोई व्यवहार उस चीज करनी हो तो फिर किताब देखते हैं, किताब में क्या लिखा है, उससे काम नहीं होता। वो तो हाथ पर चलाने की बात है। तो जो व्यापारी लोग, जो धनिक लोग है, उनके साथ हमें ये जो इनके पास इलम है वो इलम भी हमें लेना पड़ेगा और उनका साथ लेना पड़ेगा कि तुम आओ भाई, मुल्क तुम्हारा है और मुल्क में आज तो बहुत मैदान पड़ा है, उसमें जितना काम आप करो, परदेशियों के समय में करते थे, इससे ज्यादा करने का मौका आपको मिलेगा। वो हमसे डरते हैं, हमारा उसको भरोसा नहीं है, हम उनका भरोसा नहीं करते, इस तरह काम नहीं चलेगा। उनका एक दूसरे का विश्वास पैदा करना चाहिए, तब काम चल सकता है। तो मजदूर का धनिकों के साथ झगड़ा, और ये जो और लोग है वो आपस में झगड़ा करे, प्रांत प्रांत का झगड़ा, इस तरह से आपस में सब झगड़ा करता रहे। तो हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी है और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को तो उसकी अच्छी तरह से खोबे दीपे इस तरह से बनाना। तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर, जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी, उसी प्रकार की खुशहाली हो, प्रकार मुल्क को उठाना हो, मिलजुल कर काम करना। बिखरे फूलों को मिलाकर जिसने बनाया ये चमन, वैसे सरदार को आज शत शत नमन। धरती से लेकर आसमां तक भारत ने अपने लिए न एक नया इतिहास रचा है बल्कि भविष्य के लिए राष्ट्र एकता की प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है, जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमारे सरदार को एक सच्ची श्रद्धांजलि। देश की एकता के प्रति जोश और उमंग से भरे आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर अब अगला जो क्षण है, जो हम सभी के लिए बड़ा ही दिल धड़क और रोमांचक होने वाला है। आज जहां हमने इस एकता परेड के जरिए हमारे देश की सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा देने वाले जाबाजों की निष्ठा और ताकत देखी, तो साथ ही में हिंदुस्तान के इस खुले आसमान में हमारी सुरक्षा निश्चित करने के लिए पहरा दे रहे भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट कुछ ही क्षणों में यहां से गुजरेंगे और हमें भारतीय वायुसेना की ताकत का परिचय देंगे। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार को सलामी देने का ये जज्बा है इंडियन एयरफोर्स का। आप सभी, आपके सामने ये किले की भव्य दीवार भी देख रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विशाल गगनभेदी प्रतिमा के सम्मुख इस परेड मैदान में ये दीवार, ये प्राचीर है जूनागढ़ किले की। ये प्रतिबिंब लगभग 2300 वर्षों का इतिहास समेटे वर्तमान को एकीकृत भारत का गौरवशाली प्रतीक है। भारत की आजादी की घोषणा के साथ ही भारत के एकीकरण की विशाल चुनौती सरदार पटेल के सम्मुख थी।
जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु जूनागढ़ रियासत की समस्त जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति व कूटनीति के परिणाम स्वरूप राजनैतिक अड़चनों के बावजूद 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जूनागढ़ का भारत में विलय करके सरदार पटेल ने भौगोलिक एकीकरण के साथ साथ भावनात्मक एकता का भी बीज बोया। जूनागढ़ किला हमें सांस्कृतिक विविधता व भौगोलिक विषमता के बावजूद एक सूत्र भारतीयता में बंधे रहने को प्रेरित करता है, साथ ही सरदार पटेल के सशक्त भारत की याद दिलाता है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम हमारी श्रद्धा हमारा प्यार उन तक पहुंचाते हैं। और अब कुछ ही क्षणों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे सलामी देने के लिए इंडियन एयरफोर्स के जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट 3 एयरक्राफ्ट यहां से गुजरेंगे। जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट का होगा फ्लाईपास्ट। हमारे देश की ओर हम सबके गौरव के समान समग्र विश्व में सबसे ऊंची ये प्रतिभा और विश्व की सबसे ऊंची ये बेनमून प्रतिमा, जिसे सलामी देगा इंडियन एयरफोर्स का जैगवार एयरक्राफ्ट। ये 3 एयरक्राफ्ट जो जामनगर एयर स्टेशन से उड़ान भर चुके हैं, 600 किलोमीटर का ये जो अंतर है वो सिर्फ 40 मिनट में वो तय करके कुछ ही क्षणों में यहाँ पर इस आसमान में होंगे। ये जैगवार लड़ाकू विमान है, जो स्ट्राइकर प्लेन्स हैं, जो कहीं पर भी दुश्मनों के विस्तार में 1400 किलोमीटर तक अंदर जाकर स्ट्राइक करने के लिए भी कैपेबल है। आप स्टैच्यू की ओर देख सकते हैं जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इन्होंने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर सलामी दी हमारे सरदार को। जोरदार तालियों से हम सभी हमारी वायुसेना का इंडियन एयरफोर्स का अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश के अनमोल इतिहास का गौरव जिनके दिल में है, भारत देश के अमूल्य वर्तमान का श्रेष्ठ नेतृत्व जिनके हाथों में है, और भारत देश के सुनहरे भविष्य की सही दिशाएं जिनके जहन में है, भारत की काया पलट करने वाले ये राजपुरुष सरदार के विचारों और सिद्धांतों को आत्मसात कर देश के प्रति सदैव समर्पित हमारे राष्ट्र रत्न हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए तालियों के गर्जन के साथ इनका स्वागत करते हैं आज राष्ट्रजोग संबोधन के लिए। हम सब ने अभी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि से भरी हुई। अब देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन गुजरात केवड़िया से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में। आपको वापस लेकर चलेंगे गुजरात केवड़िया, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक। और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं, हमेशा मास्क पहने रहें, हमेशा दूरी बनाकर रखें, अपने चेहरे व आंखों को बार बार ना छुएं, खांसते या छींकते वक्त अपने चेहरे को पूरी तरह ढकें, अपने आसपास सफाई रखें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर द्वारा जनहित में जारी। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। सुबह की ताजगी के साथ हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरों की सौगात सिर्फ न्यूज इंडिया पर।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। MDH किचन किंग मसाला लाइक मैजिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं महरो राजस्थान। आइए आपको फिर से वापस लिए चलते हैं गुजरात के केवड़िया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं। कामनाएं देश की सैकड़ों रियासतों को, राजे रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को आजाद भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। 2014 में हम सभी ने उनके जन्मदिन को भारत की एकता के पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इन 6 वर्षों में देश ने गांवों से लेकर महानगरों तक, पूरब से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। आज एक बार फिर यह देश मां भारती के महान सपूत को, देश के लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है। आज एक बार फिर यह देश सरदार पटेल की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सानिध्य में, उनकी छाया में देश की प्रगति के महायज्ञ का अपना प्राण दोहरा रहा है। साथियों, मैं कल दोपहर ही केवड़िया पहुंच गया था और केवड़िया पहुंचने के बाद कल से लेकर अब तक यहां केवड़िया में जंगल सफारी पार्क, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन जैसे अनेक नए स्थलों का लोकार्पण हुआ है। बहुत ही कम समय में सरदार सरोवर डैम के साथ जुड़ा हुआ ये भव्य निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, नए भारत की प्रगति का तीर्थ स्थल बन गया है। आने वाले समय में मां नर्मदा के तट पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया के टूरिज्म मैप पर ये स्थान अपनी जगह बनाने वाला है, छाने जा रहा है। आज सरदार सरोवर से साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन सेवा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। ये देश की पहली और अपने आप में अनूठी सी प्लेन सेवा है। सरदार साहब के दर्शन के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए देशवासियों को अब सी प्लेन सर्विस का भी विकल्प मिलेगा। ये सारे प्रयास इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। इससे यहां के लोगों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को रोजगार के भी नए मौके मिल रहे हैं। इन उपलब्धियों के लिए भी मैं गुजरात शहर सरकार को, गुजरात के सभी नागरिकों को और सभी 130 करोड़ देशवासियों को
बधाई देता हूं। साथियों, कल जब मैं सारे क्षेत्रों पे पूरे दिन जा रहा था और वहां गाइड के रूप में यहीं आसपास के गांव के हमारी बेटियां जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस गहराई के साथ, सभी सवालों के जानकारी के साथ, त्वरित उत्तरों के साथ मुझे गाइड कर रही थी, मैं सच में बताता हूं मेरा मस्तक ऊंचा हो गया। मेरे देश की, गांव की आदिवासी कन्याओं का ये सामर्थ्य, उनकी एक क्षमता अभिभूत करने वाली थी। मैं उन सभी बच्चों को, इतने कम समय में उन्होंने जो महारत हासिल की है और इसमें एक नया, एक प्रकार से एक्सपर्टाइज को जोड़ा है, प्रोफेशनलिज्म को जोड़ा है, मैं उनको भी आज हृदय से मेरी इन आदिवासी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये भी अद्भुत संयोग है कि आज ही महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है। आज हम भारत की जिस सांस्कृतिक एकता का दर्शन करते हैं, जिस भारत को अनुभव करते हैं, उसे और जीवंत और ऊर्जावान बनाने का काम सदियों पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने ही किया था। भगवान राम के आदर्श, राम के संस्कार अगर आज भारत के कोने कोने में हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी महर्षि वाल्मीकि जी को ही जाता है। राष्ट्र को, मातृभूमि को सबसे बढ़कर मानने का महर्षि वाल्मीकि का जो उद्घोष था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो मंत्र था, वही आज राष्ट्र प्रथम, इंडिया फर्स्ट का उस संकल्प का मजबूत आधार है। मैं सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती के भी हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तमिल भाषा के महाकवि और स्वातंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था, मन्नुम इमय मले अंगल मलये मालिल मिदुदु पोल परिधु इल्ले इन्नरु नीर गंगे आरेंगेल आरे इंगिथन मानबीर एदिर एदु वेरे अन्नरुम उपनिट नुल्लेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु बोले कौन नोलिर भारत नांडेगल नाडे ओट रुवोम इंगते एमक्की कल्ले इडे। सुब्रमण्यम भारती जी की जो कविता है, उसका भावार्थ हिंदी में जो मिलता है, दूर सुदूर क्षेत्रों के बारे में जो वर्णन है, वो भी इतना ही प्रेरक है। सुब्रमण्यम भारती जी ने जिस भाव को प्रकट किया है, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा में किया है, और क्या अद्भुत मां भारती का वर्णन किया है। सुब्रमण्यम भारती जी के उस कविता के भाव है, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, जोड़ नहीं धरती पर जिसका,
वह नगराज हमारा ही है, नदी हमारी ही है गंगा,